जी स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने मैंने जो है ना आपको कल वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ मैंने, तो लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेसेस के बारे में बताया था, लाइक आपको कंपैक्शन के बारे में बताया था, स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट के बारे में बताया था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है वो फर्स्ट फिट ही है, बिकॉज इसको सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो इसको लगता है वो मेमोरी जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये चैप्टर नंबर 7 है मेरा मेमोरी मैनेजमेंट का, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी पेजिंग, पेजिंग क्या होता है? फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। आपकी जो फिजिकल मेमोरी है ना वो उसको डिवाइड कर देती है फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर, मतलब फिक्स एलोकेशन कर देती है, फिक्स ब्लॉक्स बना देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द सेम साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। तो जो आपकी लॉजिकल मेमोरी होती है, देखिए दो तरह की मेमोरी है ना, फिजिकल मेमोरी थी और लॉजिकल मेमोरी थी। प्रीवियस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, इसको कोई कन्फ्यूजन हो फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी के अंदर। तो लॉजिकल मेमोरी क्या करती है? वो डिवाइड करती है सेम साइज ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। अब तो उसको हम कहते हैं पेजेस। आपकी फिजिकल मेमोरी फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर जो है उसको डिवाइड करती है, वो फ्रेम्स होते हैं। जो लॉजिकल मेमोरी डिवाइड होती है वो सेम साइज ब्लॉक होते हैं, एक ही जैसे होंगे, तो उसको हम पेजेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अ सिंगल प्रोसेस मे रिक्वायर मैनी पेजेस ऑफ मेमोरी। आपके एक सिंगल प्रोसेस है ना, ठीक है, प्रोसेसर है वो, तो सीपीयू है, उसके अंदर जो काम हम करवा रहे हैं, तो बड़ा डिटेल में ये चैप्टर आया प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है जी, थ्रेड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है। एक सिंगल प्रोसेस जो है उसके अंदर ज़रूरी तो नहीं है एक ही पेज हो, वो डिपेंड करता है कितने पेजेस एलोकेट करता है। व्हेन अ प्रोसेस इज स्केजुअल फॉर एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोसेस स्केजुअल होता है एग्जीक्यूशन के लिए, इट पेजेस आर लोडेड इन टू एनी अवेलेबल मेमरी फ्रेम्स फ्रॉम द बैकिंग स्टोर। अब ये बैकिंग स्टोर कौन से? आपका जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, सेकेंड स्टोरेज के अंदर जो आपका डाटा पड़ा हुआ है, स्टोर है, वहाँ से लोड कर रहा है किसके अंदर? पेजेस के अंदर। द बैकिंग स्टोर इज डिवाइडेड इन टू ब्लॉक्स। अब आपकी जो बैकिंग स्टोर है, अब आप सारा तो नहीं ना डाटा एक साथ ही उठ के रैम के अंदर तो नहीं ना आ जाता, मेमोरी के अंदर तो नहीं ना आ जाता, तो वो उसको किस तरह के फॉर्म में तोड़ता है? ब्लॉक्स की फॉर्म में तोड़ता है। द ब्लॉक्स आर ऑफ सेम साइज, सो वही जो हमारा प्रोसेस टूट रहा है ब्लॉक्स की फॉर्म में टूट रहा है, मेन मेमोरी के अंदर आ रहा है, उसको उस कंसेप्ट को हम पेजेस का नाम देते हैं। पेजिंग रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे पेजेस जो होते हैं ना, पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें एडिशनल हार्डवेयर जो है वो चाहिए होता है कि वो सपोर्ट करे जो भी आप पेज टेबल बनाएं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आई थिंक सिक्स सेमेस्टर में है। तो बेटा जिस तरह एक राउटर होता है ना, राउटर एक डिवाइस है, तो उसके भी जब हम सोर्स और डेस्टिनेशन पाथ को डिवाइड करते हैं तो वो अपनी सारी वैल्यू जो होती है ना एक टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, अपनी एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो भी आपका सीपीयू है, आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी, मेमोरी के अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी है जो भी पेज एलोकेट हो रहा है एक प्रोसेसर को, जो भी प्रोसेस काम कर रहा है ब्लॉक्स के अंदर फॉर्म में टूट रहा है, तो उसका अपना एक टेबल जनरेट होगा, तो उसको हम कहते हैं पेज टेबल। तो यहाँ पे एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। तो एवरी लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट कर रहा है सीपीयू के ज़रिए, ठीक है, सीपीयू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों के ऊपर होता है। पहली चीज़ है आपकी पेज नंबर, जिसको हम पी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, पी, पेज नंबर।
पेज डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने क्या कह दिया है, डी। द पेज नंबर इज यूज एन इंडेक्स इन टू द पेज टेबल। आपका जो पेज नंबर है वो एक इंडेक्स यूज कर रहा है, किसके अंदर, पेज टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक इंडेक्स यूज कर रहा है। द पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस, आपका जो पेज टेबल है उसकी एक, उसका अपना एक बेस एड्रेस होता है, ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। अगर वो फिजिकल मेमोरी के अंदर पड़ा है तो उसका अपना एक बेस एड्रेस लाजमी होगा, एक इंडेक्स होगा, पेज नंबर इंडेक्स होगा, पेज टेबल के अंदर अगर स्टोर कर रहा तो बेस एड्रेस होगा। दिस बेस एड्रेस इज कंबाइंड विद द पेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो ये आपका बेस एड्रेस है वो कंबाइन किया जाता है पेज डिस्प्लेसमेंट के साथ टू डिटरमाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। किस लिए, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, फिजिकल मेमोरी एड्रेस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, पेज डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं। देखिए दो ही चीज़ें थी ना, एक पेज नंबर है और पेज डिस्प्लेसमेंट है। इट इज देन सेंड टू द मेमोरी, अब वो किसको सेंड कर देगा, मेमोरी को सेंड कर देगा, मतलब आपकी जो MMU है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मैपिंग करना होता है इसके अंदर, मैपिंग करते हैं या फिर रीलोकेशन करते हैं। इट कम्प्लीट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। सो ये क्या काम करना होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने, ट्रांसलेट करता है आपके लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस की तरफ। द पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर हार्डवेयर डिपेंडेंट, आपका जो पेज साइज है और फ्रेम साइज है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। इट इज़ कॉमन डैट बोथ विल कंटेन अ नंबर ऑफ बाइट्स डैट इज पावर ऑफ टू। हाँ जी भाई, ये पेज का फार्मूला है, इसकी जो पावर होगी वो टू के साथ हम डोनेट करेंगे। ओके जी, द टिपिकल वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 512 बाइट्स टू 16 मेगा बाइट्स पर सेकेंड पर पेजेस। अच्छा, अगर यहाँ पे स्मॉल बी होता तो वो बिट्स होना था, अब ये कैपिटल बी है तो बाइट्स आते हैं। एन इंटेग्रल साइज बेस्ड अपॉन आप पावर ऑफ टू, ठीक है, जो भी आपका इंटेग्रल साइज होगा ना पेज का वो किसकी पावर होगा, टू की पावर होगा। इज यूज ड्यू टू द ईज ऑफ ट्रांसलेशन दैट कैन अकर विद सच नंबर। अब जैसे कि टू है, टू की पावर एम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पावर ऑफ टू है। सपोज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू की पावर एम बाइट्स, लेट सपोज कर दें लॉजिकल एड्रेस किसके ऊपर है, टू की पावर एम बाइट्स, एंड पेज फ्रेम साइज, दो चीज़ें हैं, लॉजिकल एड्रेस जो है वो इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है टू की पावर एम बाइट्स के साथ, और पेज पर फ्रेम साइज जो है वो किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, टू की पावर एन बाइट्स के साथ कर रहा है। दी हायर ऑर्डर एन माइनस एन बिट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस विल डेजिग्नेट दी पेज नंबर। अब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दी लो ऑर्डर एन बिट विल डेजिग्नेट दी पेज डिस्प्लेसमेंट एज शोन बिलो। आपका जो नंबर ऑफ एन है वो यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, पेज डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, और जो ये एन माइनस वन है, ठीक है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है, आपके पेज नंबर को। दो ही चीज़ें थी, पेज नंबर और पेज डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखें जी, पेज नंबर है पी, उसको यहाँ पे करवाया हुआ है शो एन माइनस एन बिट्स, ठीक है जी, एम माइनस एन बिट्स, पेज डिस्प्लेसमेंट डी एन बिट्स। तो इसके आगे एग्जांपल्स आती हैं, पेजिंग कैसे क्रिएट होती है, तब आप एक प्रोसेस को ब्लॉक्स में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज करते हैं आ सिस्टम हैज़ अ पेज साइज ऑफ 8 बाइट्स। आप सपोज कर लिया पेज साइज है 8 बाइट्स, तो उसकी पावर कैसे लेंगे हम, टू की पावर, फार्मूला तो था ना एम है या एन है, पेज साइज है ये, तो टू की पावर ली, थ्री उधर पुट किया, कितके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। द फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स, ठीक है जी, आपके 1024 बाइट्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 128 फ्रेम्स, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 128 फ्रेम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा ये। सपोज दैट
लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ 128 बाइट्स। अगर हम देखें 128 बाइट्स लेते हैं तो फिर मैं उसको क्या कंसीडर करूँगी, 2 की पावर 7, तो वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, 128 के इक्वल होता है। तो इसी तरह आप इसकी 1024 को भी निकाल सकते हैं, कितनी पावर पे 1024 आएगा वो आप पावर ले लें एज इट इज़। एम इज़ इक्वल टू 7 एंड एन इज़ इक्वल टू 3, तो आपके पास क्या आया, एन क्या था, एम हमने लिया था 7, बिकॉज ये वो पेज साइज है, ये हमारे पास पेज डिस्प्लेसमेंट है, तो एन हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। सो द पेज नंबर विल रिक्वायर एम माइनस एन, 7 में से 3 माइनस किया हमारे पास कितनी बिट्स निकल आई, 4 बिट्स निकल आई। द रिप्लेसमेंट विद इन द पेज विल रिक्वायर एन इज इक्वल टू 3 बिट्स। अब ये 3 बिट्स कहाँ से आई, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या था, 2 की पावर n था, और m माइनस n किसका था, पेज नंबर फाइंड आउट करने का फार्मूला था। ये तो हमारे पास पेज साइज था ना 8 बाइट्स, वो हमने निकाला, और हमने, हमें पता है कि जो आपकी फिजिकल मेमोरी होती है ना वो 1024 बाइट्स के इक्वल होती है, उसको हमने अगर डिवाइड कर देते हैं, हाफ ऑफ कर देते हैं, तो 128 फ्रेम्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो 128 बाइट्स कैसे निकलती है, अगर हम 2 की पावर 7 लेते हैं ना, तो हमारे पास 128 जो है वो आ जाता है, तो हमें अपना एम जो है वो पता चल जाता है। ओके, द 128 बाइट्स लॉजिकल एड्रेस स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू टोटल ऑफ 16 पेजेस। अब हमने इसको लेट्स सपोज कर ले कि हम इसको डिवाइड कर दें 16 पेजेस के अंदर, इट रिक्वायर्स अ टोटल ऑफ नंबर ऑफ कितने फ्रेम्स बने इसके अंदर, 16 फ्रेम्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। टू डिस्टिंग्विश यूनिकली 16 पॉसिबल फ्रेम्स विल रिक्वायर 4 बिट्स। तो हम अगर इसके 16 पॉसिबल फ्रेम्स बनाएं तो हमें पता चलता है कि 4 बिट्स हैं। अ टोटल ऑफ 8 बाइट्स ऑफ कोड फ्रॉम द प्रोसेस विल बी लोकेटेड विद इन ईच फ्रेम, इट विल रिक्वायर अ टोटल ऑफ 3 बिट्स टू यूनिकली डिटरमाइन विच बाइट्स विद इन द पेज पर फ्रेम। अब ये 3 बिट्स वही हैं, ठीक है, आप की जो एम की पार हमने जो थी 3 काउंट की थी। तो यहाँ पे जो सीपीयू जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस वो है 64। अब ये इसकी एग्जांपल दी है, ठीक है, यहाँ पे ये मैं बताती हूँ क्या चीज़ हो रही है। ये पेज आपका टेबल बन रहा है, पेज नंबर है और पेज डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये द एड्रेस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस रिक्वायरिंग 128 बाइट्स ऑफ अ मेमोरी। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी मेमोरी है वो कितनी एलोकेट है, 128 बाइट्स है ये, ठीक है, ये आपकी 128 बाइट्स हमने पेज के लिए मेमोरी एलोकेट कर ली है। देखो उतने ही बॉक्सेस बनाए हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 127 लिखा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 127 है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो 0 से 127 128 ही मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। फिजिकल एड्रेस कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस लॉजिकल एड्रेस विल बी इन पेज नंबर 8 विद डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, तो हमारा पेज नंबर जो है वो, अब ये फिर बताने की ज़रूरत नहीं है 8 कहाँ से आ रहा है, बिकॉज यहाँ से आ रहा है, हमने सपोज किया है पेज साइज, ठीक है, 8 बाइट्स था और 128 बाइट था, तो हमने 3 और 2 के 7 की कॉम्बिनेशन के साथ सारी चीज़ें निकाल ली है। अच्छा, 0 है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 15, ठीक है, लेट्स सपोज, बिकॉज यहाँ पे अगर आपके 128 बाइट्स टूट रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने अपने पेज साइज भी इन्हांस कर दिए। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 सो ऑन 6 7, रिपीट, ये रिपीट हो गई हैं, ये वाली जो दो लाइंस है ना दोबारा लिखती हुई हैं, 0 से स्टार्ट हुआ फिर 1 2 3 सो ऑन, मतलब काउंटिंग आपकी 128 तक जा रही है। तो ये इस तरह इसकी एलोकेशन की गई है कि पेज जो टेबल होता है वो इस तरह जनरेट होता है, पेज साइज, पेज नंबर, मतलब कौन सा पेज नंबर है और उसको क्या क्या जो मेमोरी है डिस्प्लेसमेंट उसको प्रोवाइड किया गया। लाइक अगर ये पेज नंबर 0 है तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 बाइट्स जो है उसको एलोकेट की गई है। तो
एक्चुअली ये एलोकेशन ऐसी होती है, इसकी हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पेजिंग एलोकेशन ऐसे होती है, इसकी सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू है, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है, यहाँ पे आपका पेज टेबल जनरेट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आपको पता है कि सीपीयू आपका लॉजिकल एड्रेस होता है और फिजिकल मेमोरी इसकी तरफ उसने आना। ये पेज नंबर है, ये पेज डिस्प्लेसमेंट है। पेज नंबर आपके किधर आया, जैसे कि ऊपर टेबल बना हुआ है ना, उसमें पेज नंबर एलोकेट हो रहा है, तो वो अपनी जो भी उसकी जगह है, अपनी सीक्वेंस है, वहाँ पे आ जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, तो वो पेज जो है अपना प्रॉपर काम करेगा। देन वो फर्दर आगे उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, दूसरी फिजिकल मेमोरी की तरफ जा रहा है। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ही हम जनरेट कर रहे हैं ना पेज। तो ये इसकी एक सिंपल सी एलोकेशन टेक्निक है कि आप जो भी अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोसेस आपके रन टाइम के अंदर, सीपीयू के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो पेजेस की फॉर्म में होते हैं। और पेजेस क्या चीज़ है, पेजेस कोई अलहदा ही अनोखी चीज़ नहीं है, आपके जो बड़ा सा प्रोसेस है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देना, सेम साइज़ ऑफ ब्लॉक्स में तोड़ देना। डिफरेंट काम करने के लिए हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं सेम साइज़, उसको हम सिंपल कॉन्सेप्ट पेजेस कहते हैं। और हर एक पेज का अपना एक पेजिंग टेबल भी जनरेट होता है कि वो अब कितनी बाइट्स को ले रहा है, या उसने कौन सी जगह ऑक्यूपाई की है, ठीक है, वो फिजिकल मेमोरी में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, या लॉजिकल मेमोरी में वो कैसे काम जो है परफॉर्म कर रहा है, तो उसका अपना एक पेज टेबल बन जाता है। तो वो पेज टेबल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है तो वो ज़ीरो को पहले पिक कर लेगा, और टी लैंड उसने अपना काम कहाँ तक किया है उसकी एंड डेस्टिनेशन दे देगा, मतलब स्टार्ट टू एंड हर पॉइंट को नोट आउट करेगा। अब पेज टेबल कंटेन्स द मैपिंग, वही बात, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि मैप करना है, हमने अपने डाटा को मैप करना है या रीलोकेट करना है, किसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर। पेज टेबल कंटेन्स द मैपिंग ऑफ लॉजिकल पेजेस, पेज टेबल का क्या काम है, मैपिंग करना है लॉजिकल पेजेस से रेलिवेंट टू द फिजिकल फ्रेम। पेज टेबल क्या कंटेन करता है, मैपिंग करता है किस चीज़ की, लॉजिकल पेजेस टू द फिजिकल फ्रेम। अभी ये ऊपर डायग्राम भी तो देखी है ना, किसकी तरफ मैप कर रहा है, आपका लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल मेमोरी की तरफ उसको लोकेट कर रहा है, एलोकेट कर रहा है। दिस इज शोन ग्राफिकली इन द नेक्स्ट डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे ये लॉजिकल मेमोरी है, ये आपका पेज टेबल है, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है। ओके, अब ये मेरे पास पेज ज़ीरो है, पेज वन है, टू है और थ्री है, मेरे पास फोर पेजेस हैं, और मेरे पास पेज टेबल कैसे होगा, ज़ीरो से लेकर थ्री, बिकॉज मेरे पास फोर पेजेस हैं, तो मेरे पास ये पेज नंबर है, ठीक है, और ये आपकी जो फिजिकल मेमोरी है। अब इसको एलोकेशन कैसे मिल रही है, इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है, पेज ज़ीरो जो है उसको डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो दे दिया है, मतलब उसको फिजिकल मेमोरी में दे रही हूँ वन। अब पेज साइज़ जो ये पेज नंबर है वन, उसको मैंने कह दिया तुम फोर वाली जो मेमोरी है उसके अंदर जाओगे, ठीक है, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दी, इसकी इसके डेस्टिनेशन दे दिया, मैंने इसको जगह दे दी, इसका ब्लॉक साइज़ प्रोवाइड कर दिया, टू है ये, तो भाई तुमने थ्री के पास जाना है, थ्री में एलोकेट हो गए। तो सारी जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपके पेज टेबल के अंदर होती है कि कौन सा पेज नंबर है और किस मेमोरी के अंदर जाके इसने स्टोर होना है। तो ये इतना सा डाटा इसने पेज टेबल में स्टोर करना है। अब फिजिकल मेमोरी का क्या काम है, लेट्स सपोज कर लेते हैं ज़ीरो से लेकर सेवन तक पेजेस थे, मतलब एट थे ना, एट पेजेस हमने सपोज किए थे, तो यहाँ पे वन को कौन सा है, ठीक है जी, पेज ज़ीरो काउंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट जो है वो एम्प्टी हो गया, बिकॉज मे बी सम हो, कोई इशू हो सकता है, आपकी मेमोरी खाली ना मिले उसे। फिर ये पेज थ्री टू किसके पास आया, आपकी ये वाली जो थ्री एलोकेशन है उसके पास आया। फिर पेज फोर, ये देखें, ये आपकी जो ये वाली है ना, ये वाली आपकी फिजिकल मेमोरी की एलोकेशन है, ज़ीरो से लेकर काउंटिंग कर ली। अब पेज ये वाला जो पेज नंबर था, पेज ज़ीरो किसके पास आया, वन के पास आया, ठीक है, तो वन के पास ही है। तो पेज टू किसके पास है, पेज टू किसके पास है, थ्री के पास है, हाँ जी, तो थ्री में एलोकेट हो गया। अब पेज वन किसके पास है, यहाँ पे पेज वन ये है,
पेज वन किसके पास है? पेज फोर के पास है। फिजिकल मेमोरी में उसको एलोकेट किया गया। पेज नंबर ये थ्री था, ये किसके पास है? सेवन के पास है। तो यहाँ पे फिजिकल मेमोरी का एड्रेस सेवन ये है, तो पेज नंबर थ्री किसके पास होगा? सेवन के पास होगा। जो पेज नंबर के पेज टेबल के अंदर आपकी पेज नंबरिंग डिस्प्लेसमेंट एलोकेट हो गई है, फिर वो ऐसे ही आपका जो सीपीयू है उसको असाइन करता है। तो यहाँ पे इसकी एलेबोरेशन की है इसी डायग्राम की। यूजिंग द प्रीवियस डायग्राम एज रेफरेंस अज्यूम्स दैट ईच पेज कंटेन 4 बाइट्स। अब जो हर पेज है ना, यहाँ पे ये वाला पेज, उसकी कितनी बाइट्स है? 4 बाइट्स है। दिस मीन्स दैट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट्स। पेज जीरो कंटेन लॉजिकल एड्रेस, तो आपका पेज जो जीरो है वो क्या एलोकेट कर रहा है? 0, 1, 2 एंड 3। पेज जीरो कंटेन कर रहा है 0, 1, 2 एंड 3। अब ऊपर डायग्राम हमने देखी थी, उसमें ऐसे ही था। पेज जीरो जो है वो आपके 0, 1, 2, 3 को एलोकेट कर रहा है। पेज वन कंटेन कर रहा है आपके लॉजिकल एड्रेस को, कौन से? 4, 5, 6 एंड 7, सो ऑन।